से आप बाय बस दिल्ली बाय गाड़ी दिल्ली बस बाय बस वॉल्वो मुलायम साहब जी क्या कह दिया उन्होंने आपको वो कोई बता नहीं गुलाबा सुलंग मिले सब गुलाबा कहाँ गाड़ी जाएगा वो तो रवीन वाले एक बार उनको पता है कि ऐसा है आपकी गाड़ी सुलंग हद है सुलंग पे गाड़ी जाएगा सुलंग पे हाँ वो भी भूल गया रास्ता सुबह तक हो गया आसपास कोठी हो गया आपका आपका ओल्ड मनाली विलेज हो गया आपका डिमा टेम्पल हो गया अच्छा विशिष्ट बात हो गया आपका और क्लब हाउस हो गया तो मॉल रोड पे ही है नहीं सर नहीं नहीं मॉल रोड पे नहीं है गाड़ी जाना आप कहाँ पहुँचे जी सात से चलते आप वहाँ से आपको गाड़ी में ही जाना पड़ेगा डिमा टेम्पल क्लब हाउस जो लोकल मनाली जो रूट अलग अलग रूट है और आपका ओल्ड मनाली विलेज मन ऋषि टेम्पल हो गया आपका वन विहार हो गया आपका हाँ सुनो सर यहाँ देख लीजिए वहाँ सुनो ये बाकी सर वो ट्रॉली लगा हुआ अपने उधर के यहाँ पे अपने ओके उसमें सुलंग भाई 500 रुपये पर हेड जनरल 600 रुपये पड़ दिया ये ओवर स्पीड का यहाँ देखो ना ओवर स्पीड का देखो ना ओवर स्पीड की दोनों गाड़ी लोकल लोकल दोनों गाड़ियाँ ओवर स्पीड चलोगे तो मरोगे तो है ही देखो देखा नहीं क्या ओवरटेक करना जा भाई जिसने जाना है धीरे धीरे जाना अच्छा है नहीं सर हमें तो इतने साल में हमने क्या सीखा जो लोग सर गाड़ी लेने के लिए कई सालों लगते थे मैंने गाड़ी लिया सर कमिश्नर का लोग का पास लड़ा लड़ा के ऐसे कुछ नहीं हमने ब्रेकर देख ब्रेकर में यूज देखा अपने ब्रेकर से मैं तो ब्रेक यूज करता ही नहीं है जब गाड़ी रोकनी है ना लोग करनी है ब्रेकर काम करें और सर इसलिए हम भारी गाड़ी रखा है जम के चलता है आप बोलते ना ईडीओ सर गाड़ी ऐसा है ये थोड़ा बर्फ है पावर स्टीयरिंग गाड़ी से हर कहीं घूमता है ये मैनुअल स्टीयरिंग है इसके से बहुत सारे कारण हैं कि सर्दियों में चलने के लिए तो मैं सर्दी आसपास हमारा रूट है वो लोकल में मैं डेली चलता बहुत सारे क्लाइंट है मेरे अप डाउन दिन के 5-10 चक्कर पर लगते बर्फ़ पड़ जाए तो मैं चलता रहता हूँ तो मुझे क्या सर ब्रेक भी मार लगा स्टीयरिंग पकड़ो तो गाड़ी घूमेगी ना रुक जाएगी वहाँ पर ये सर तो कई लोग बोलते भैया आप गाड़ी क्यों चेंज करते हैं मैं कहता हूँ मैं क्या बताऊँ मुझे क्या दिक्कत है बाहर स्टीयरिंग मेरी इधर को काटूंगा इधर घूम जाएगी किसी बच जाएगी उधर रोक के पैसे ले लेगा मेरे से बोले भाई मेरी गाड़ी ठोक दिया था नहीं चलेगा एक गाड़ियाँ ठुको एक पीछे ठुको दो गाड़ियाँ बजी दो ये पीछे अब क्या सर किसी को बोलोगे और लोकल गाड़ी है सर बाहर की गाड़ी मानता हूँ मैं कि भी किसी लोकल गाड़ी क्या वो सर के ब्रेक अप्लाई किया कि नहीं वो सर दोनों बज गया आपस में
सर हमने देखा लोगों ने स्टार्टिंग में इनोवा आई थी, छोटा गाड़ी आया कोई गाड़ी, ये सर रैलिंग था, ये वाला रैलिंग था, तो सर मेरे पास ओपन ही गाड़ी थी, तो हमारे सामने पीछे ओवरटेक मारा, गाड़ी घुमा रोड से बाहर की स्पीड से, डबल स्पीड से रोड से बाहर, पीछे जो रोड बाहर गया कई किलोमीटर नीचे, तो सर जो वो सर उस दिन मिलते मुझे कई दिन बाद मिलते थे, क्या करना सर, कई लोग मानते नहीं जिससे आते थे उनको बोले भैया वो सुनते नहीं है किसी, क्या कर सकते, ऐसी बस से आता है सर 6-8 इंच पर, दो दो फुट पर गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल आराम चलाते हैं बसें,